देश की तमाम टेलीकॉम कंपनी अपने प्लान और नेटवर्क पर काम कर रही हैं। ऐसे में देश की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने देश में एक नई R217 4G MiFi डिवाइस लॉन्च की है। डिवाइस का डायमेंशन 87.6 × 59.6 × 12.9 mm है और इसका वजन 78 ग्राम है। ये डिवाइस 150 Mbps का डाउनलिंक देता है और 50 Mbps का अपलिंक। डिवाइस में 1800 mAh की बैटरी दी गई है जो 7 घंटे का बैकअप देती है। इसमें माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज सपोर्ट किया गया है जो 32 GB के साथ आता है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो WPS स्टैंडर्ड पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा दी गई है। इसमें हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग भी दिया गया है जो आपको बताएगा कि अभी तक आपने कितने डेटा का इस्तेमाल कर लिया है। वहीं अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो इसकी कीमत भले ही 3,690 रुपये है, लेकिन इसे फिलहाल ऑफर की मदद से 1950 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। हालांकि कहा जा रहा है कि वोडाफोन ने जियो को जवाब देने के लिए ऐसा किया है, क्योंकि अभी हाल ही में रिलायंस जियो ने 4G LTE हॉटस्पॉट का एक डिवाइस लॉन्च किया था जिसकी कीमत 999 रुपये थी। जियो की माने तो इसकी स्पीड 150 Mbps की है और अपलोड स्पीड 50 Mbps की है। इस स्पीड की मदद से HD वॉइस कॉल और वीडियो कॉल को सपोर्ट करता है। स्टोरेज की बात करें तो इसे 64 GB तक बढ़ाया जा सकता है और जिसकी बैटरी 3000 mAh की है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट। Start your career with us.